फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आदि पुरुष देखने के लिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यू आ रहा था लोग के यूट्यूब चैनल से, और हम बहुत देखे भी है। मनोबल भी थोड़ा डाउन हुआ क्योंकि एडवांस बुकिंग कर दिए थे, कल टिकट मिल नहीं रहा था, दो तीन दिन पहले टिकट बनाए थे। एडवांस बुकिंग होने के बावजूद मेरा मनोबल थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन इतना अच्छा मूवी है तो सोचते हैं एक बार जाके सामने से देख ले कि लोग जो रिव्यू दे रहा है तो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे मेरे मूवी देखने के बाद कैसा लगा नहीं लगा, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली देखना चाहिए ही क्योंकि प्रभास का स्टारडम है और सैफ अली खान है, कृति सेनन है, बड़े बड़े स्टार हैं इसमें, तो देखते हैं स्टोरी लाइन कैसा है और एक्टिंग कैसा किया है। स्टोरी कुछ भी हो, क्योंकि आपको पता ही है कि जब मूवी स्टार्ट होता है तो उसमें बता देता है कि जीवित मृत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फिक्शन पे बना रहता है। तो आप देखते हैं कि कितना रियलिटी है और कितना फिक्शन है मूवी में, जाके देखने के बाद ही पता चलेगा। देखिए ये भी बहुत एक्साइटेड थी ये मूवी देखने के लिए, एडवांस बुकिंग हो गया है। अभी जाएंगे रिजेंट सिनेमा जो कि पटना में, 3D, ये 3D में देखेंगे, ठीक है, पहली बार 3D मूवी देखेंगे जो कि बोलो कैसा फीलिंग होगा 3D में पहले देखी है? क्योंकि बहुत 3D में इससे पहले देखी है, 3D में फर्स्ट टाइम देखेंगे, फर्स्ट टाइम इसका भी 3D में है, मेरा भी 3D में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख नहीं सकते थे, टाइम नहीं मिलता था, पढ़ाई लिखाई में बिजी रहते थे, जॉब हो गया तो उधर ड्यूटी भी करना है ना, चाहते तो बहुत बार 3D में देख लेते, ऐसा थोड़े ना सिस्टम में देख रहे हैं, ठीक है। कार का जो है इंस्टाग्राम पे पेज है, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ हाँ, नाम आया था, और मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा। देखिए मेरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है कार में पहली बार, और मोटिवेट करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो और हो सकता है पूरा बिहार में हल्ला मचा दे चैनल। हमें हैप्पी ब्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत कम सब्सक्राइब। हम लोग पहुंच गए हैं रिजेंट सिनेमा के पास, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है आदि पुरुष का, लोग सब देखिए कितना जाम लगाया हुआ है, ये लोग फिल्म देखने के लिए ही आए हैं। हम लोग पहले पहुंच गए ताकि इधर बहुत पटना में जाम लग जाता है ना, तो जाम के चक्कर में छूट जाता है मूवी तब, इसीलिए हाँ नंबर सेव कर ले। हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है और हम लोग के पास अभी टाइम बहुत कम है, 20 मिनट बस टाइम है, और देखिए कितना भीड़ है रोड पे, हमको पार करना है इसी के साथ, ठीक है। देखिए रोड पे भीड़, पूरा हॉल के सामने भीड़ है, देखते हैं मूवी देख करके कैसा लगता है। दोस्तों बहुत क्रिटिसाइज किया मूवी को, पार करते हुए हम लोग सिनेमा हॉल की तरफ जाते हुए, देखिए कितना बड़ा बड़ा पोस्टर है आदि पुरुष का, इससे पहले भी यहाँ पे आके देख चुके थे वही KGF 2, उसमें भी एक्शन था, इसमें भी एक्शन ही होगा, लेकिन ज़्यादा एक्शन इसमें गोली बंदूक का कम होगा। ये फिलहाल धीरे धीरे हम लोग सामने जा रहे हैं और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ सिर्फ आदि पुरुष का ही है, देखिए रिजेंट सिनेमा। हमको लगता है ज़्यादा भीड़ नहीं है, पहले तो ज़्यादा भीड़ था, हो सकता है शाम हो गया इसी वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है, दिन में कुछ ज़्यादा होगा। चलते हैं, इस और पहली बार 3D मूवी, 3D में देखेंगे, देखते हैं कैसा है। बुक माई शो कहाँ क्या करना है जाके देखते हैं, उधर चेकिंग हो रहा है, तो अभी फिलहाल चेकिंग हो रहा है तो हम टिकट वगैरह सब चेक करा लेते हैं, ये आ गई है, ठीक है, टिकट चेक करा लेते हैं उसके बाद बताते हैं क्या क्या करना है। और यहाँ पे 3D चश्मा दिया जा रहा है, मुझे इसका वेट कर रहे हैं, कहाँ चली गई, सबको 3D एक एक 3D चश्मा दिया जा रहा है क्योंकि ये 3D है, बिना चश्मा का आप ब्लर दिखते नहीं है, ब्लर दिखता है, ठीक से दिखता नहीं है।
रही है। आ जाओ, आ गई है। चश्मा मिलेगा? चश्मा मिल गया। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग जा रहे हैं चश्मा लेकर के। तो फिलहाल हम लोग फोटो क्लिक करवा लिए हैं और हम लोग चलते हैं। सब लोग जा रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट भी छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को लगता है इसी में जाना है मुझे, और हम लोग को ऊपर में प्लेटिनम वाला ऊपर में, तो हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं पुराने पुराने मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। बहुत खुश है, कितना एक्साइटेड, हाउ मच एक्साइटेड यू आर, बहुत ज़्यादा। टिकट प्लेटिनम, यहाँ से एंट्री हो रहा है। वाल्मीकि रामायण स्टार्ट हो गया। सीट नंबर दे बता। A12 आगे वाले गेट चाहिए, आगे वाला B26। हम लोग आ गए हैं और मूवी अभी स्टार्ट हो गया है। देखिए क्या बोल रहा है मूवी में। हम लोग चश्मा पहन रही है, चश्मा खोलते तो लगता दूर में है, चश्मा पहनते थोड़ा नज़दीकी लगता है। भीड़ देखिए, ठीक ठाक ही भीड़ है, फिर भी जितना होना चाहिए नहीं है। एंट्री हो गया रावण यानी सैफ अली खान का। ये देखिए दसवां नंबर, पहले वॉशरूम चलते हैं, उसके बाद क्या खाना है।
घर जाना है, इधर जेंट्स टॉयलेट था तभी से मिल नहीं रहा था, उधर लेडीज चल प्रेस पूरा वेट कर रही है यहाँ पे इधर पर बहुत अच्छा लग रहा अब चालू होगा हो गया है। देखने में तो पूरा भोपाल लगा टेक्नोलॉजी से भरपूर लग रहा था, पूरा हॉलीवुड मूवी जैसा। चलो चलते हैं, देखिए भीड़ आप चश्मा देना पड़ेगा कैसा लगा सबसे अच्छा। बहुत काम किया गया, कितना मेहनत किया होगा वो बनाने का। अब चश्मा देना होगा, ले यहाँ पे दे देते, ये वाला चश्मा है, चश्मा सब दे रहा है। रावण मेरे अंदर आ गए। देखिए भीड़, वाह पप्पू चाय वाला, वाह आजकल वाला वाला बहुत चल रहा है, चाय वाला फिजिक्स वाला। भीड़ 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 देख सकते, भीड़ जबरदस्त मूवी था, बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी से भरपूर। अगर आप पुराना सीरियल का कंपेरिजन करेंगे तो नहीं होगा, वो भी बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी से भरपूर था, ठीक है। स्टोरी स्क्रिप्ट सब वही वही से लिया गया था थोड़ा बहुत। Thank you.
मूवी देख लिए हैं तो अभी जा रहे हैं डोसा खाएंगे। इधर चलो, इधर इधर से चल, नहीं तो ये लोग जा रहे हैं ना, ये लोग के लिए रास्ता क्या है, ये लोग जा रहे हैं तो हम इधर से भी पास करना पड़ता है। डोसा आगे में है, डोसा का रेस्टोरेंट है, चलते हैं उसको खाएंगे। इधर कितना भीड़ भाड़ है रोड, पीछे से देख ही रहे होंगे। अरे बाबा रे, टेक्नोलॉजी पूरा हॉलीवुड मूवी लग रहा था, लग नहीं रहा था पुराना रामायण जैसे। सोडा फाउंटेन, इसी में जाना, सोडा फाउंटेन बहुत कुछ मिल रहा है। अभी फिलहाल आइसक्रीम खा रहे हैं, ओला 5-6 मिनट में आ रहा है, तब तक सोचे आइसक्रीम खा लेते हैं। क्या कैसा लग रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे अशोक राजपथ के आसपास हैं, मतलब इधर से ही पीएमसीएच जाता है, पटना कॉलेज भी इधर से जाता है, सामने से बोरिंग रोड की इधर जाता है, कुर्बी रोड इधर, इधर गांधी मैदान पटना जंक्शन, इधर इधर से ही हम लोग आए हैं। बहुत देर से ओला का वेट करते करते अभी ओला मिला है, तो घर चलते हैं। हाँ वही बात है, इसीलिए तो बिजी रहता पूरा, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो मूवी तो देख लिए हैं, अब चलते हैं घर, ठीक है। ये परेशान हो रही थी जल्दी जल्दी घर जाना, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। वैसे हम लोग पैदल भी जा सकते थे, लेकिन क्या पैदल जाना है, हमेशा गाड़ी से आए आप पैदल जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं?